Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. The content that we were going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. First of all, I will going to explain you what are the broad field design, or commonly known as interdisciplinary design of curriculum. And then correlation design we will going to discuss. Then we will going to discuss the process design. So these all three are actually the subject center design, और इसको हम आगे जाने से पहले एक recap देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं. Whatever the material I will going to present you in this presentation, I have taken it from the reference that I have given below on this page. It is a book, you can download it from the internet, and definitely I will going to share the link of this book with you on your Google Classroom. Before going ahead and jumping onto the broad fields design, let's give a small recap कि हम क्या कर रहे थे. So we are on the chapter number 4 or unit number 4, and it is about the curriculum designs. सबसे पहले हमने ये देखा कि design होता क्या है. Design एक road map होता है, design एक framework होता है, design एक guideline होती है. Design में हमें पता चलता है steps क्या हैं, हमें ये काम कैसे करना है और हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, या हमें एक चीज़ बनानी है तो उस चीज़ को बनाने के लिए डिज़ाइन हमें बताता है कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो अप करने हैं. सो करिकुलम डिज़ाइन जो है वो कोई लेगो का टॉय नहीं है, वो कोई एक सिंपल असेंबलिंग करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. एक्चुअली करिकुलम डिज़ाइन एक ट्रिकी डिज़ाइन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है. वो बेसिकली तो एक सिर्फ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने होती हैं. उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो डिज़ाइन अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा. उस डिज़ाइन में स्टूडेंट्स के लिए जो गोल हैं, स्टूडेंट्स उन्हें अचीव कर सकेंगे, कितने एक्सपर्टीज तक अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वो तमाम चीज़ें ह्यूमन इंटरेक्शन पर डिपेंड करती हैं. जो कहाँ होती हैं, स्कूल में होती हैं, स्पेसिफिकली क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान. और जितने भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं वो इन दोनों से जुड़े हुए हैं, एंड दे ऑल प्ले अ वाइटल रोल कि उस करिकुलम डिज़ाइन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए. उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. सो हमने यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया था कि करिकुलम डिज़ाइन कैसे इंटरेस्टिंग है, कैसे डिफरेंट है. हमारे पास मल्टीपल करिकुलम डिज़ाइन हैं. डिज़ाइन डिफरेंट क्यों होते हैं? डिज़ाइन डिफरेंट सबसे पहले इस वजह से होते हैं कि उनकी फ़िलासफ़िकल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है. कोई करिकुलम रियलिस्टिक होता है या रियलिज्म पे बेस्ड करता है, कोई करिकुलम प्रोग्रेसिव होता है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड करता है, कोई करिकुलम जो होता है पोस्ट मॉडर्न होता है, वो पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है. इसी तरीके से करिकुलम डिफरेंट हो जाते हैं किस तरीके से कि उनके अंदर मल्टीपल किस्म के और डिफरेंट किस्म का एम्फोसिस होता है. किसके ऊपर? कई करिकुलम लार्जली फोकस करते हैं कंटेंट के ऊपर कि ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट को आनी चाहिए, एकेडमिक आइडियाज़ के ऊपर. कई करिकुलम ऐसे होते हैं जो कि सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट को कॉन्टेंट नॉलेज भी होना चाहिए और उनके अंदर सोशलाइजेशन स्किल्स, वैल्यू सोसाइटी को समझना, क्रिटिकली देखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़ और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़ जो हैं, इन दोनों के ऊपर स्टूडेंट का फोकस डेवलप करना चाहिए. कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों चीज़ों के साथ उनका मेजर फोकस होता है कि वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हों, वो बच्चों की एज के मुताबिक हों, इंटरेस्ट के मुताबिक हों और उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक हों. सो करिकुलम डॉक्यूमेंट इसलिए भी डिफरेंट होते हैं कि वो जब इन तीन एस्पेक्ट को मल्टीपल तरीके से फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें डिफरेंस आ जाता है. सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइंस के बारे में, और व्हाट वी केम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन कि इसके अंदर जितने भी इसकी 5 टाइप्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, डिसिप्लिन हो, ब्रॉड फील्ड हो, प्रोसेस हो, कोरिलेशन हो, इन तमाम पाँचों के पाँचों डिज़ाइन में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ये डोमिनेंटली कॉन्टेंट बेस्ड हैं. ये डोमिनेंटली इनके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी,
और इनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे. दैट्स द रीज़न वी हैव गिवन इट अ सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन. और हमने इसमें सबसे पहला डिज़ाइन क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट डिज़ाइन, जिसके अंदर क्या थे, मल्टीपल सब्जेक्ट. जो आपकी अपनी स्कूल एजुकेशन है वो सब्जेक्ट डिज़ाइन के ऊपर बेस करती है. हम स्कूल्स में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इसका की पॉइंट क्या है, टेक्स्ट बुक. ये कैसे पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाई जाती है. और टीचर इसमें क्या होता है, अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट. सो मैथ का टीचर होगा मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, उर्दू का टीचर होगा उर्दू इन मास्टर्स इन उर्दू. और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानते और वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. दैट्स द रीज़न ये क्या बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट डिज़ाइन बन जाता है, जो किताबों टेक्स्ट बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है. और इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसकी की लिमिटेशन ये है कि स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. उनका अपना इंटरेस्ट, उनका कल्चर, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनकी अपना वैल्यू सिस्टम उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता और स्टूडेंट की उसके अंदर कोई से नहीं होती. और हमेशा सब्जेक्ट डिज़ाइन का जो करिकुलम होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है. टीचर ने वो ढेर सारा कंटेंट वाया टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाना होता है, याद कराना होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के तरीके सिखाने होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था डिसिप्लिन डिज़ाइन. सब्जेक्ट और डिसिप्लिन डिज़ाइन में फ़र्क ये था कि डिसिप्लिन डिज़ाइन में भी वही सारे सब्जेक्ट हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर किससे रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड. बीएफए में आप फोर ईयर में ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप एमएस मैथमेटिक्स में ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, एमएस बीएस इकोनॉमिक्स में ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो चार सालों में, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट किससे रिलेटेड हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं. और पढ़ने में क्या फ़र्क है, पढ़ने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन टीचर सेंटर है और डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन को होना चाहिए स्टूडेंट सेंटर. स्टूडेंट वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल काम करता है कि वो जब ये ख़त्म कर लेगा तो प्रोफेशनल फील्ड में चला जाएगा. सो स्टूडेंट रिसर्च भी करता है, डेटा कलेक्शन भी करता है, अपनी जो भी एरिया है उसके मुताबिक जो रिसर्च मैथडोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है और रिजल्ट को जनरलाइज करता है, कॉन्सेप्ट को डिवेलप करता है. एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए उस डिसिप्लिन से जो रिलेटेड कॉन्टेंट एरियाज हैं उनमें एक्सपर्टीज डिवेलप करता है. Now the third one is broad fields design, जो कि कहलाता है interdisciplinary design भी. और ये क्या होता है, let's begin it. Broad fields designers give student a sweeping understanding of all content area. So हमारे पास broad field design में student को हम ढेर सारे content area को जो है understanding देते हैं. किस तरह देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम इंटीग्रेट कर देते हैं उस कंटेंट को जो आपस में लॉजिकली फिट हो सकता है. जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है कि जो हमारा सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी का सब्जेक्ट एक ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन के अंदर आता है. सोशल स्टडी में हम शुरू के ग्रेड्स में क्या पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान की जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्टेटस भी पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, हम अपनी असेंबलीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं कि हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से यहाँ कौन कौन से लोग, कौन कौन सी नस्लें आके बसी. हम पाकिस्तान स्टडी में सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ पे कॉमन ग्राउंड रखती है, कहाँ पे डिफ़र करती है. और हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं. सो अगर आप गौर करें तो जियोग्राफी इट्सेल्फ एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इट्सेल्फ एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस इट्सेल्फ एक ब्रॉड इन डेप्थ एक सब्जेक्ट है. लेकिन ये तमाम की तमाम सब्जेक्ट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, दे एक्चुअली फिट टुगेदर लॉजिकली. और हम क्या करते हैं, हम फ्यूजिंग कर देते हैं, हर एक में से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चंक्स उठाते हैं और हम उन्हें किस में डाल देते हैं, सोशल स्टडीज में. सो दैट्स हाउ ये क्या बन जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन. They suggested that the entire curriculum be organized into three categories, into these categories. अब ये categories जो हैं ये मैंने इस book से उठाई हैं और definitely ये book पाकिस्तान की लिखी हुई नहीं है.
तो ज़रूरी नहीं है कि ये जितनी भी कैटेगरीज हमें बताई गई हैं ये हमारे स्कूल करिकुलम में लॉजिकली फिट इन भी होती हों, लेकिन मोस्टली हो जाती हैं। पहली कैटेगरी क्या है जिसमें हम मल्टीपल सब्जेक्ट को मिला सकते हैं, फिट टुगेदर कर सकते हैं, जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं, वो है सिम्बॉलिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी आ जाती है इंग्लिश, हमारे लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे उर्दू। और हमारे पास फॉरेन लैंग्वेजेस में क्या है, हम फॉरेन लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं अरेबिक पढ़ रहे हैं, पर्शियन पढ़ रहे हैं, चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में हमारे पास पंजाबी भी आ जाती है, और मैथमेटिक्स जो कि एक और लैंग्वेज है और वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेजेस की तरह। सो हम इन्हें एक कैटेगराइज में फ्यूजन कर सकते हैं। दूसरी क्या कैटेगरी है जो बड़ी लॉजिकली फिट होती है एक दूसरे के साथ, वो है बेसिक साइंसेस की। जितने भी हमारे जर्नल साइंस की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड 8 तक, उसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास जो सजेस्ट की गई हैं वो डेवलपमेंटल स्टडीज़ हैं। मोस्टली ये हमारे यहाँ स्कूल्स में नहीं होती, और हम इनको भी इन अ वे और अनदर कुछ चीज़ों को डाल देते हैं जनरल साइंस में, बाकियों को डाल देते हैं सोशल स्टडीज़ में। क्या क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मोस, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन कल्चर। फोर्थ कैटेगरी बन सकती है एग्जाम्पलर्स की, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे मोड्स ऑफ एस्थेटिक्स, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आर्ट है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, लिटरेचर है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं फिफ्थ कैटेगरी जो बन सकती है वो मॉरल प्रॉब्लम्स की है, जो कि एड्रेस करती है हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को। सो ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ढेर सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ाए जा सकते हैं, इन कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, और ये कहलाता है हमारा करिकुलम ब्रॉड फील्ड करिकुलम डिज़ाइन और इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम डिज़ाइन। इन अ ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन इज एक्चुअली अ करिकुलम दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टीचर इन अ वे के इसके अंदर टीचर की पार्टिसिपेशन करिकुलम के अंदर बहुत एक्टिव हो सकती है। और टीचर का रोल सिर्फ स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक पढ़ाना नहीं हो सकता, टीचर का रोल बेहतर हो सकता है कि डिसिप्लिन का कंटेंट पढ़ाना नहीं होगा या स्टूडेंट को रिसर्च के लिए गाइड करना नहीं होगा, बल्कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम टीचर्स कर सकते हैं। सो जब अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ब्रॉड फील्ड के अंदर एक ही सब्जेक्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट के कॉन्टेंट आ जाते हैं, एक तरीक़ेकार तो ये होता है। दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है कि इंस्टेड के ढेर सारे सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट में डाला जाए, हम क्या करते हैं, हम थीम्स बना लेते हैं, और थीम्स के अंदर जो है टीचर्स जो हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, हॉलिस्टिक करिकुलम कहते हैं। हॉलिस्टिक करिकुलम एक्चुअली हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स ने कभी देखा नहीं होता, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता। अगर आप हॉलिस्टिक करिकुलम को समझना चाहते हैं तो आप वीक 3 का लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखें, उसमें आप इंटरनेशनल बैकलॉरिएट करिकुलम को देखेंगे जो कि IB करिकुलम कहलाता है। और IB करिकुलम में ना टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ना डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थीम्स होते हैं। सो उन थीम्स को लेके टीचर्स क्या करते हैं, वो मल्टीपल किस्म का कंटेंट डाल के उन थीम्स को डेवलप करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ एक्टिविटीज़ को डेवलप करके उनके साथ वो एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं आपको सबसे पहले उसका एक जिस्ट दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ कि वो थीम्स कैसे होते हैं, शायद उसके बाद आपको इन थीम्स को समझना आसान हो जाए कि हम क्लस्टर जब सब्जेक्ट नहीं करते, हम थीम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट भी ला सकते हैं तो वो कैसे दिखेंगे। सो हमारे पास ये IB प्राइमरी ईयर प्रोग्राम की एग्जांपल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो है उसके इस सर्कल के अंदर आप उसके मल्टीपल थीम्स देख सकते हैं। सो ये करिकुलम कैसे डिफरेंट है, ये करिकुलम थीम बेस्ड है और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे है और इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी कहलाता है। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं है, पर क्या है, क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं है बल्कि थीम्स हैं, और अब टीचर क्या करते हैं, वो इन थीम्स को लेके इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कंटेंट डाल के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी डिवाइस करते हैं। सो हमारे पास यहाँ थीम लिखे हुए हैं, शेयरिंग द प्लैनेट, हु वी आर, वेयर वी आर इन प्लेस एंड टाइम, एंड हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स,
एंड हाउ वी ऑर्गेनाइज आर सेल्फ. सो ये कितने थीम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तकरीबन ये हमारे पास 6 थीम हैं. सो स्कूल क्या करता है कि वो अपने पूरे एकेडमिक ईयर को इन 6 थीम्स में डिवाइड कर लेता है और फिर वीक्स में ये थीम्स डिवाइड हो जाते हैं. और फिर टीचर्स क्या करते हैं, हर थीम में ये तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं. सोशल स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट भी लेते हैं, मैथमेटिक्स के भी लेते हैं, आर्ट भी लेते हैं, साइंस भी लेते हैं, फिज़िकल सोशल एंड पर्सनल एजुकेशन भी लेते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं. हर एक थीम में उसको तमाम सब्जेक्ट्स को जितने कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉन्टेंट हैं, उसको पढ़ाते हैं. इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इफ़ यू लिटरली वांट टू गो एंड चेक इट आउट कि एग्जैक्टली ये थीम क्या है और कैसे इतने ढेर सारे सब्जेक्ट एक थीम में पढ़ा लिए जाते हैं. तो हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट्स अ वन, हु वी आर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द सेल्फ, बिलीव्स, वैल्यूज, पर्सनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप, फैमिलीज, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज, कल्चर, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी and what it means to be human. So ab is theme ko teacher grade early childhood education ya preschool se leke grade 5 tak padhayenge ab bachchon ke level ke mutabik in themes mein in tamam subjects ko dalenge aur activities develop karenge. तो टीचर इन अ ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, थीम बना सकते हैं, होलिस्टिक करिकुलम बना सकते हैं, और वो अमूमन क्या कहलाता है, इमर्जेंट क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस. ये कोई रेडीमेड और रेडी टू डिलीवर करिकुलम नहीं है जिसमें ऑलरेडी तमाम कंटेंट लिखा हुआ है. इसमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बताए जाते कि आपने क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं. ये एक इमर्जेंट करिकुलम भी हो सकता है कि टीचर अपनी क्लासरूम में जाए और देखे कि क्लासरूम का जो एप्टीट्यूड है वो क्या है, या इस वीक क्लासरूम जो है वो किस चीज़ को डिस्कस कर रही है, ये मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो किस तरीके के इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक वो क्या करे टीचर, एक इमर्जेंट क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को लेके चले, उसी थीम के अंदर उसी वक्त वो डिसाइड करे, डिवेलप करे कि ये मल्टीपल एरियाज ऑफ सब्जेक्ट और कंटेंट पढ़ाया जा सकता है. सो इसमें आप प्रीवियसली प्लान आउट किया हुआ एग्जैक्ट रोड मैप फॉलो अप नहीं किया जाता. इसके अंदर टीचर को इतना क्रिएटिव और इतना एक्सपर्ट होना पड़ता है कि वो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को, करंट इंटरेस्ट को, और क्लास के आइडेंटिफाई करने के बाद इमरजेंटली एक्टिविटीज़ डिवाइस कर ले और कॉन्टेंट पढ़ा ले, उससे उसको रिलेट कर ले उनके इंटरेस्ट के साथ. देन फोकस ऑन करिकुलम वेब्स हैं, कनेक्शन मेमोरी रिलेटेड थीम्स कॉन्सेप्ट हैं. टीचर क्या करते हैं, दे नीड टू क्रिएट कॉग्निटिव मैप्स इन कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम वेब्स अलॉन्ग फॉर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट नॉलेज इन द करिकुलम एंड फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. डेफिनेटली जब आपका थीम बेस्ड होगा, होलिस्टिक करिकुलम होगा, जिसके अंदर आपको पहले से कोई टॉपिक्स नहीं बताए जाएंगे, टीचर इतना क्रिएटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, एक्सपर्ट होगा कि वो क्लास के मेजर इंटरेस्ट को देखते हुए जो भी उस इंटरेस्ट से रिलेटेड और थीम से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के कंटेंट है उसको मिला के एक्टिविटीज़ कराएगा. तो वो क्या कर रहा है, वो एक करिकुलम वेब डेवलप कर रहा है और स्टूडेंट्स में एक कॉग्निटिव मैपिंग डेवलप कर रहा है. स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ रहे बल्कि इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं एकेडमिक या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए किस किस किस्म की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं और हम उनको डेवलप करने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हैं. सो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंटेंट और नॉलेज है. इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्लास नहीं हो रही. सो क्या होगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हें रट्टा नहीं लगवाया जाएगा, उन्हें बताया नहीं जाएगा, उन्हें ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जाएगा. स्टूडेंट खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक एक इमर्जेंट एक्टिविटीज़ डेवलप की जा रही हैं. क्रिटिक क्या है ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द ब्रेथ एट द एक्सपेंस ऑफ डेप्थ. अ ईयर ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचर स्टूडेंट
a greater range of social science concepts than a year of history. But is the resulting knowledge of social sciences superficial? Certainly, a year of history builds more historical knowledge than a year of social study. सबसे पहले तो अगर हम क्लस्टर बेस्ड सब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट एक ब्रॉड सब्जेक्ट के अंदर आ जाएं, वो मल्टीपल सब्जेक्ट जो लॉजिकली फिट टुगेदर हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर सब्जेक्ट में से छोटा छोटा चंक लेके बच्चों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप हिस्ट्री अलग से पढ़ाते हैं, जियोग्राफी अलग से पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ाते हैं, तो उसको एक साल पढ़ाना कुछ और मीनिंग रखता है। लेकिन उनके छोटे छोटे चंक्स को सोशल स्टडी में इकट्ठे बढ़ा देना थोड़ा थोड़ा वो कुछ और मीनिंग रखता है। वो स्टूडेंट जो इन सब्जेक्ट को ब्रॉडली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर पढ़ते हैं, उनका नॉलेज, उसकी डेप्थ और उसकी ब्रेथ कुछ और होती है उन स्टूडेंट की इन सब्जेक्ट के बारे में निस्बतन उन स्टूडेंट की जो सिर्फ सोशल स्टडी में एक छोटी छोटी सी जिस्ट लेते हैं हर चीज़ के बारे में। हाउ मच डेप्थ विल स्टूडेंट गेट फॉलोइंग और कंस्ट्रक्टिंग वैब्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर हम सब्जेक्ट के क्लस्टर बनाने की जगह हम थीम्स लेते हैं, हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने आपको आईबी करिकुलम दिखाया कि उसमें थीम्स थे और उनमें हर थीम में टीचर ने खुद से एक क्लास में जाके सोचना है कि इस महीने मेरे बच्चों का इंटरेस्ट इसमें है, तो अब मैं ये थीम पढ़ा रही हूँ, तो इस थीम में मैं कैसे ये कॉन्टेंट लूँ जो इनके इंटरेस्ट से मैच होता हो, और एक हाइब्रिड लर्निंग स्टाइल बनाएँ, इंटरडिसिप्लिनरी स्टाइल बनाएँ जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करें, प्रोजेक्ट बनाएँ। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कंस्ट्रक्टिंग वेब्स ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाएं कैसे जाएं, कैसे स्टूडेंट को उनकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ का पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट ये वेब बनाने के काबिल भी हैं, या वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जिस सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया है उस थीम के अंदर, उस सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट नहीं है, उस थीम में मल्टीपल सब्जेक्ट इकट्ठे इंटीग्रेट करके पढ़ाए जा रहे हैं। How much depth can one attain in science by following the theme of dinosaurs or machine? So, एक subject है हमारे पास science, और अगर students का interest होता है कि वो dinosaurs को discover करना चाहते हैं किसी theme के under, तो कितना कुछ वो science के बारे में जान लेंगे generally सिर्फ और सिर्फ dinosaurs को study करके next 7 weeks में, या अगर student का interest है कि वो machine को explore करना चाहते हैं, तो वट अबाउट बायोलॉजी इन साइंस, वट अबाउट केमिस्ट्री इन साइंस, वट अबाउट इकोलॉजी इन साइंस। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सब्जेक्ट को हम लॉजिकली डिवाइड करते हैं वो कैसे आएगी होलिस्टिक और थीमेटिक एनालिसिस में, कैसे टीचर इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से भी सब्जेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज डिवेलप कर लें। इन होल लैंग्वेज विल स्टूडेंट अटेन sufficiently deep appreciation of reading, writing and listening? So these are important questions. Definitely ye challenging question hai. Definitely har curriculum design apni limitation ke liye zarur koi na koi raaste aur jawab bhi deta hai, jisse hum baad mein jab in subject ko mazid depth mein padhenge to hum use padh sakte hain. The next one is correlation design, जो है subject center design का चौथा design जो है वो correlation design है. Correlation designer realize there are times when separate subject require linkage to avoid fragmentation of curricular content. The correlation design attempt to identify ways in which subject can be related yet maintain their separate identities. और वो सेपरेट आइडेंटिटीज़ को भी जो है वो मेंटेन रखें, इसके बावजूद वो इंटररिलेट करके पढ़ाए जा सकें। मिसाल के तौर पे जो हमें सबसे बड़ा की इशू आया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में, वो ये आया कि जब हम थीम्स में पढ़ाते हैं तो हम हर सब्जेक्ट को उसकी स्पिरिट के मुताबिक नहीं पढ़ा सकते। हम सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज डिवेलप नहीं करा पाते, ये एक चैलेंजिंग फिनोमेना बन जाता है इंटरडिसिप्लिनरी में। इसी तरीके से अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी में सब्जेक्ट्स का क्लस्टर बना लेते हैं तो भी यही होता है कि जब आप एट क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ते हैं
तो आप ना फिजिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, ना केमिस्ट्री के, ना बायोलॉजी के, ना एनवायरमेंटल साइंसेस के. सो क्या किया जाए? कोरिलेशन डिज़ाइन हमें इसका एक अच्छा तरीका बताता है. वो ये कहता है कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. यही चीज़ हमें ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन भी बता रहा है कि कुछ सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, लॉजिकली इंटर रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और उनको हम मिला सकते हैं, मिला के पढ़ा सकते हैं. मिलाने से मतलब ये नहीं कि उनको इकट्ठा एक सब्जेक्ट मिले हैं, उसे कोई नए सब्जेक्ट का नाम दे दें, जनरल साइंस के नाम दे दें और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएं, बल्कि इस तरीके से पढ़ाएं कि वो सब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली पढ़ाया जाए पर उसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ आधे सेमेस्टर के बाद या हाफ ईयर के बाद इंटर रिलेट भी कर दिया जाए. कैसे? इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल हमारे पास आती है इंग्लिश लिटरेचर की और हिस्ट्री की. हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल इंटर रिलेट किया जा सकता है क्योंकि ये कोरिलेट होते हैं, ये लॉजिकली अलाइन होते हैं. हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में या उर्दू लिटरेचर में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हमें तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड मिलती हैं. पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर पाक को हिंद की तारीख, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करती हैं कहानियाँ. तहरीक पाकिस्तान के ऊपर कहानियाँ लिखी गई हैं, नज़में लिखी गई हैं, गज़लें लिखी गई हैं. तो हम लिटरेचर को तारीख के साथ बिल्कुल रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि हम इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग या उर्दू की रीडिंग राइटिंग ग्रामर और लिसनिंग स्किल भी डेवलप करें और उसको रिलेट भी करें कि ये सिर्फ अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सब्जेक्ट है जो इंटर रिलेट होता है, को रिलेट होता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ. केमिस्ट्री में क्या करते हैं स्टूडेंट? दे मे हैव अ यूनिट इन मैथ दैट डील विद द मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. सो साइंसेज में हमारे पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, इक्वेशंस लगानी पड़ती हैं और हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है. और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इन्हें कोरिलेट कर सकते हैं. कंटेंट एरिया रिमेन डिस्टिंक्ट, टीचर ऑफ दीज कोर्सेज रिटेन देयर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिटीज. सो ये पढ़ाया कैसे जाता है, टीचर करते क्या हैं, जब हम उसको देखेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ में आ जाएगा. टीचर क्या करते हैं? दे प्रेजेंटेड अ कोरिलेशन डिज़ाइन विद अ ओवरआर्चिंग थीम के थ्रू पढ़ाया जाए. ओवरआर्चिंग थीम क्या सकते हैं? थेमेटिक ऑर्गेनाइजर रिटेन्ड सब्जेक्ट्स बेसिक कॉन्टेंट बट इट वॉज सेलेक्टेड ऑर्गेनाइज विद रेफरेंस टू ब्रॉड थीम्स प्रॉब्लम्स और यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल ऐसा थीम बनाया जाए जिसके अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट हों साइंस के जिसमें आपको मैथमेटिक्स को और केमिस्ट्री को इंटर रिलेट और को रिलेट करके उन एक्सपेरिमेंट्स को करना पड़े. सो इनको हम थीम्स के अंदर भी पढ़ा सकते हैं. कुछ ऐसे थीम डिवेलप कर लिए जाएँ जिनके अंदर आपको बाय ऑल मीन इन चीज़ों को अप्रोच करना पड़े. सो स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है, कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जब हम उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम एक थीम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हम जदीद उर्दू अदब पढ़ें और जदीद उर्दू अदब की थीम में हम वो तमाम चीज़ें पढ़ते हैं जो ज़माने की पॉलिटिकल मूवमेंट भी होंगी, उस ज़माने के मशहूर शायर भी होंगे, मशहूर मुसन्निफ़ भी होंगे और उस ज़माने के जो अदीबों के ऊपर मुकदमात हुए होंगे हम उन्हें भी देखेंगे. सो इंटर रिलेट करके उस थीम में पढ़ेंगे कि उस वक़्त बरसग़ीर पाक को इनके हालात क्या थे, मुसलमानों के हालात क्या थे, चैलेंजेस क्या थे, हमारे इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज क्या थे उस वक्त के, पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे जो लिटरेचर में बताए गए, और हम उसे हिस्ट्री के साथ पढ़ के रिलेट करके उस थीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट रिक्वायर्ड द क्लासेस बी स्केड्यूल्ड विद इन अ ब्लॉक ऑफ टाइम. टीचर्स ऑफ वेरियस कंटेंट एरिया टू बी कोरिलेटेड कुड देन वर्क टुगेदर. स्टूडेंट वर्क ऑन असाइनमेंट ड्राइंग फ्रॉम कोरिलेटेड कंटेंट एरिया. सब्जेक्ट कैन बी कंबाइंड इनोवेटिव वेज, जैसे कि कंप्यूटर साइंस माइट बी कोरिलेटेड विद कोर्सेज आर्ट म्यूजिक एंड इकोनॉमिक्स. सो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि टीचर्स को आपस में मिल के काम करना है, उन्हें भी कोरिलेट करना है. सो वो क्या करते हैं कि वो बच्चों के लिए दो टीचर्स मिल के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और उन्हें स्केड्यूल करना होता है क्या कि हमने ये प्रोजेक्ट मिल के बच्चों को गाइड करना है और इस स्पेसिफिक टाइम में पूरा करा लेना है. कौन कौन से टीचर मिल सकते हैं? जैसे कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, कंप्यूटर साइंस के टीचर के साथ आर्ट और म्यूज़िक का टीचर मिल सकते हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर मिल सकते हैं कि आप इन्हें कंप्यूटर के ऊपर ग्राफ्स बनाना,
इंटरप्रेशन करना, अपनी वेबसाइट बनाना, ग्राफिक्स के थ्रू जो है आर्ट का एक्सप्रेशन करना सिखाएं, और जो आर्ट टीचर होता है वो उनके अंदर अपने सब्जेक्ट से स्पेसिफिक रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड भी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा होता है. सो दो टीचर को मिलके इसके अंदर काम करना पड़ता है और एक स्केड्यूल डेवलप करना पड़ता है. लूपहोल्स क्या हैं, की इश्यूज क्या आते हैं इतने इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के अंदर जहाँ टीचर्स को मिलके काम करना पड़ता है. इट इज़ डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन टीचर रिक्वायर्ड दैट दे प्लान देयर लेसन कोऑपरेटिवली. इट इज़ नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी बट इट इज़ चैलेंजिंग एज वेल. क्यों? टीचर्स हैव सेल्फ कंटेन्ड क्लासेस एट द एलिमेंट्री लेवल एंड ऑफन डू नॉट हैव टाइम फॉर सच कोलैबोरेशन. टीचर्स के पास ऑलरेडी इतना काम होता है, इतने हैवी सब्जेक्ट होते हैं, इतना ढेर सारा कंटेंट पढ़ाना होता है और बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी होती हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी होती है, कि वो इस किस्म के कोऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं होते और उनके पास टाइम ही नहीं होता, स्पेशली हमारे स्कूल्स में. टीचर आर ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट, इनकरेज आइसोलेशन. टीचर्स जो हैं मोस्टली कॉलेज लेवल में हम अपने अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, और जब हम अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने कोलीग्स के साथ बैठे होते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेट करना या प्रोजेक्ट बनाना जो है वो और चैलेंजिंग हो जाता है. टीचर मस्ट ऑल्सो मीट टाइम स्केड्यूल डिक्टेटेड बाय स्पेसिफिक क्लासेस एंड सो मेनी हैव लिटिल टाइम टू वर्क विद अदर टीचर ऑन टीम टीचिंग. टीम टीचिंग के लिए हमें टाइम चाहिए, वो टाइम ही टीचर के स्केड्यूल से नहीं निकल पाता. A schedule do not allow a block of time sufficient for teach students to meaningfully study correlated subject. अगर दो टीचर किसी तरीके से अपने टाइम मैच भी कर लें कि हम अपनी क्लासेस को कंबाइन करेंगे और फलां टीचर जो है इस correlated subject में मेरे बच्चों को, जो chemistry के बच्चे हैं, math का मेरा जो colleague है वो इनको chemistry की इस problem में math को सिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे math के concept के साथ केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. वो टाइम इतना कम होता है, इतना अनसफिशिएंट होता है कि मोस्टली स्टूडेंट उस टाइम से बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता, इतनी जैम पैक क्लासेस होती हैं कि हमें इस कोऑपरेशन के लिए टाइम मिलता ही नहीं. We are on the last subject centered curriculum design, जो कि है process design. और ये design बड़ा confusing सा है. इसमें जो सबसे important चीज़ है वो ये समझने की है कि यहाँ students जो हैं वो independently काम करते हैं, independently उनको problem दी जाती हैं, projects दिए जाते हैं, और वो उन projects को करने के लिए, problems को solve करने के लिए independently अपने research design जो हैं वो formulate करते हैं, और वो रियलिटी को देखते हैं, उसके बाद उसके फ्रेमवर्क बनाते हैं और वो किसी नतीजे तक खुद पहुंचते हैं. ना कि उन्हें टेक्स्ट बुक में पढ़ा दिया जाए कि ये फार्मूला है, ना कि उन्हें डिसिप्लिन की किताबों में ये बता दिया जाए कि ये आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके जॉगन्स हैं या ये स्पेसिफिक थीरी है अब आपने पढ़ लेनी है. स्टूडेंट प्रोसेस डिज़ाइन में थीरी खुद डिवेलप करते हैं. सो क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम्पलीफाई दिस प्रोसीजरल डिज़ाइन. सो इस डिज़ाइन में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा डिवेलप होती है जब आप में ये तीन किस्म की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आती हैं. वो क्या क्या हैं? नंबर वन, यू लर्न टू एनालाइज द डेटा, सिंथेसाइज द डेटा एंड एवेलुएट इट. ये आपकी हायर ऑर्डर तीन थिंकिंग प्रोसेसेस जो हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जिसे आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन में पढ़ा होगा. लास्ट थ्री हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेसेस, सोचने की प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो थिंकिंग प्रोसेस है, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो कि प्रॉपरली बग़ैर किसी कल्चरल और बग़ैर किसी रिलीजियस बायस के बिल्कुल लॉजिकली डेटा एनालिसिस कर सकता हो, जो मल्टीपल एनालिसिस से आने वाली ढेर सारी इंफॉर्मेशन को एक सेंथेसिस में लॉजिकली लाके देख सकता हो, और उसके बाद वो एवेलुएट कर सकता हो कि जो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो किस हद तक अचीव हुए किस हद तक अचीव नहीं हुए विद द हेल्प ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ एविडेंस एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल एविडेंस। सो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये तीनों चीज़ें मिल के डिवेलप करती हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब प्रोसेस डिज़ाइन का जो की फोकस है वो ये है कि स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ानी, रट्टा नहीं लगवाना, डिसिप्लिन बेस्ड ढेर सारा नॉलेज सिर्फ नहीं पढ़ाना या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच से ढेर सारे सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ाना। क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करनी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को रिसर्च करनी पड़ेगी, एक प्रॉपरली प्रॉब्लम सामने लेके आएंगे स्टूडेंट के, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पे अपना रिसर्च डिज़ाइन डिवेलप करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और एवेलुएट करेंगे कि उनकी फाइंडिंग्स क्या आई और उनके जो रिसर्च क्वेश्चंस थे उनको वो किस तरह आंसर कर रहे हैं। एजुकेटर सजेस्टेड स्टूडेंट टू टॉक टू थिंक और मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। जब कभी भी हम रिसर्च करते हैं, हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम रिसर्च में स्टडी करते हैं, तो हम उसमें इसका सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है, इस एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर क्या है, टीचिंग फॉर इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल करेक्टर है, वो क्या है, वो ये है कॉग्निटिव करेक्टर्स है, एटीट्यूड्स डिवेलप करना है, अफेक्टिव डोमेन में डिवेलप करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस डिवेलप करना है। प्रोसेस डिज़ाइन करिकुलम का की पर्पस ये है। प्रोसेस डिज़ाइन में डेफिनेटली हमें स्टूडेंट सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट लेते हैं, उस प्रोजेक्ट के बाद उस पर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर जब डेटा आता है उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। सो स्टूडेंट को जो भी आप फिनोमेना देते हैं स्टूडेंट उसे खुद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो खुद उस नॉलेज तक पहुँचते हैं, ना कि उन्हें किताबों में ऑलरेडी वो नॉलेज रट्टा लगने के लिए बता दिया जाए। सो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के अंदर आप उन्हें एक टॉट दे देते हो जो एक एक्वेरियम में रखा हुआ है और स्टूडेंट रोज़ाना उस टॉट की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसे कोई कुछ खिलाता है कोई कुछ खिलाता है और फिर वो अपने नॉलेज तक खुद पहुंचते हैं कि टॉट की ग्रोथ कैसे होती है, कितने दिन में कितना बड़ा हो रहा है, क्या खाता है क्या नहीं खाता। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज स्टूडेंट डू इट बाई देमसेल्फ एंड दे एक्चुअली रीच to the conclusion or they actually create frameworks by which to arrange the derived knowledge. अब ये बिल्कुल interesting curriculum design है, बिल्कुल जैसे कि आपने last design पढ़ा broadfield design। broadfield design में भी हमारे पास दो philosophies थी, एक तो ये थी कि सारे subject जो logically relate करते हैं इंटररिलेट करते हैं उनको मिला के एक ब्रॉड सब्जेक्ट में डाल दें या थीम ले लें, थीम को पढ़ाएं, थीम के अंडर एक्टिविटीज़ डिवेलप करें और उन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए हम मल्टीपल सब्जेक्ट से चंक्स उठाएं स्टूडेंट की, उन सब्जेक्ट में स्किल डिवेलप करें ताकि वो ये एक्टिविटी कर लें इस थीम के अंडर। द सेम वे प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर भी हमारे पास दो किस्म की फिलॉसफीज मौजूद हैं, यानी प्रोसेस डिज़ाइन सिर्फ एक फिलॉसफी पर ओरिएंट नहीं करता, मल्टीपल फिलॉसफीज़ पे ओरिएंट करता है। मॉडर्न ओरिएंटेशन भी हो सकती है, टीचर्स मॉडर्न ओरिएंटेशन में जो पढ़ा रहे होते हैं वो रियलिज्म पे यकीन करते हैं और रियलिज्म पे यकीन करने का मतलब ये है कि वो साइंटिफिक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा पे यकीन करते हैं। स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके अंदर ऑलरेडी थीरीज मौजूद होती हैं, ऑलरेडी हमारे पास रियलिटीज मौजूद होती हैं, पर स्टूडेंट क्या करते हैं उनकी कन्फर्मेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन करके, लैब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जनरल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, पर उनकी थीरीज ऑलरेडी डिवेलप होती हैं। सो इसके अंदर टाइम एक्शन जो है हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, स्पेसिफिक थीरीज होती हैं जो कि नहीं बदलती, जैसे कि आपकी फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायोलॉजी की थीरीज हैं। पोस्ट मॉडर्न ओरिएंटेशन जो है उसके अंदर इस चीज़ को रखा जाता है कि जो आपका प्रोसेस है एग्जिस्ट इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपॉन कम्प्लीशन स्टिल इज एम्बेडेड इन द प्रेजेंट व्हिच इज़ आल्सो अ ड्यूरेशन। सो इसके अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं है और आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में सीखते हो, इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है जो कि मॉडर्न ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं
और मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट मॉडर्न ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म की रियलिटी आ जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इन दो चीज़ों को मिलाएंगे तो सिर्फ यही एक चीज़ बनेगी। सो हमारे पास पोस्ट मॉडर्न ओरिएंटेशन में इनस्टेबिलिटीज होती हैं। हम कॉन्स्टेंट सर्च करते हैं कि दो चीज़ों को मिलाने से हमेशा ये तीसरी चीज़ नहीं बन सकती, हो सकता है कई दफ़ा कुछ और चीज़ भी बन जाए। सो इंडिविजुअल स्टूडेंट टीचर एग्जिस्ट इन अ सीरीज ऑफ ड्यूरेशन कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नाउज। दीज नाउज आर शेप्ड बाई पास्ट ड्यूरेशन रिकग्नाइज एंड फ्यूचर ड्यूरेशन एंटिसिपेटेड। वी ऑल आर इन अ प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी स्टैटिक। सो एक चीज़ तो आपको ये पढ़ के क्लियर होगी होगी कि मॉडर्न ओरिएंटेशन साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आती है, फिज़िकल रियलिटी से रिलेटेड नज़र आती है, जबकि पोस्ट मॉडर्न ओरिएंटेशन उन सब्जेक्ट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है जो कि फिज़िकल रियलिटी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, जैसे लिटरेचर, आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू लिटरेचर, म्यूज़िक। सो इनके अंदर मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं और हम क्या करते हैं, वी ऑल आर इन अ प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। हम कभी भी किसी एक कॉन्क्लूजन तक नहीं पहुँचते, हर कॉन्क्लूजन पर पहुँच के एक नए जर्नी पर आ जाते हैं दोबारा कुछ नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो किसी स्पेसिफिक फार्मूले पे नहीं चलती अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्न ओरिएंटेशन। सो हमारे पास दो किस्म के टीचर्स हो गए, एक वो जो साइंसेस के हैं जो मॉडर्न ओरिएंटेशन के साथ पढ़ा रहे हैं जिनके पास स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, और पोस्ट मॉडर्न जो कि मोर क्रिएटिव इनोवेटिव हैं और ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें इमेजिनेशन ज़्यादा रिलेटेड होती है। क्रिटिक क्या है हमारे प्रोसेस डिज़ाइन में कि चैलेंज ऑफ प्रोसेस करिकुलम इज़ टू एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ आर कंक्लूजन एंड टू डिटरमिन द राइटनेस ऑफ आर इंटरप्रिटेशन। डेफिनेटली रिसर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, कि आप जिस नतीजे तक पहुँच रहे हैं क्या वो नतीजा जो है जिसको आप डिटर्मिन कर रहे हैं क्या वो राइट इंटरप्रिटेशन है, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जो हैं वो किसी एक कल्चर फिनोमेना को स्टडी करते हैं और वो एक नतीजे तक पहुंचते हैं, हो सकता है कि वो जिस एंगल से या जिस लेंस से या जिस फिलोसफिकल बैकग्राउंड से खड़े होकर इस कल्चर फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं अब वो एक गलत नतीजे तक पहुंच जाएं, तो क्या उनके पास वो वैलिडिटी के एविडेंसेस मौजूद हैं कि उनका नतीजा कम से कम गलत होगा। सो जो इम्पॉर्टेंट इशू आता है प्रोसेस डिज़ाइन में, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट्स में, उनके ऑब्जर्वेशंस में, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग में वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ का आता है। सो पोस्ट मॉडर्न प्रोसेस डिज़ाइन करिकुलम हैज़ स्टूडेंट्स टू मोर देन सिंपली एनालाइज देयर कंक्लूजन, इट एनकरेजेस देम टू अनरेवल द प्रोसेसेस बाय विच दे इन्वेस्टिगेट एंड रीच कंक्लूजन। और पोस्ट मॉडर्न प्रोसेसेस डिज़ाइन एम्फोसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कंस्ट्रक्टिंग एज वेल एज रिप्रेजेंटिंग रियलिटी। अगेन अगर स्टूडेंट्स साइंस से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च डिज़ाइन है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी डिफरेंट तरीके से मेजर होती है, जबकि अगर वो आर्ट और लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं तो उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी उनकी डिफरेंट तरीके से मेजर होगी। ये क्या हैं, जब आप रिसर्च पढ़ेंगे इन डेप्थ तो आपको मज़ीद इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि स्टूडेंट डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट लेते हैं, उन प्रोजेक्ट को वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं उन्होंने वो स्टेप ऐसे ही विगरसली फॉलो किए कि वो राइट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं और ये जो उनके रिजल्ट्स हैं ये वैलिड रिजल्ट्स हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या वो सोशल साइंसेस से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हो।